Welcome back. In this particular video, I am going to discuss unit number 3, that is Introduction to Computer Network of IP Class 12. जैसा कि आप जानते हैं, इस यूनिट में बेसिकली दो चैप्टर्स हैं, कंप्यूटर नेटवर्क एंड इंटरनेट एंड वेब। आज के इस वीडियो सेशन में हम कंप्यूटर नेटवर्क को डिटेल में डिस्कस करेंगे और CBSE द्वारा प्रोवाइडेड सिलेबस की बेसिस पे सारे कॉन्सेप्ट को भी लर्न करेंगे। ये वीडियो ट्यूटोरियल ना सिर्फ CBSE 2021-22 सेशन के स्टूडेंट्स के लिए है, बल्कि CBSE 2020-21 सेशन के स्टूडेंट्स, जो कि मे बी कमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल होगा, और या उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कंप्यूटर नेटवर्क को लर्न करना चाहते हैं। इसके पहले मैंने आईपी क्लास 12 फुल कोर्स इन वन वीडियो का ट्यूटोरियल वीडियो रेडी किया था, जिसमें मैंने मेजरली यूनिट 1 एंड यूनिट 2 को डिस्कस किया था। यदि आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पे मैंने इसका लिंक आपके साथ शेयर कर दिया है। बट उस वीडियो में यूनिट नंबर 3, दैट इज कंप्यूटर नेटवर्क, को मैंने कवर नहीं किया था, उसके लिए भी आप इस पर्टिकुलर वीडियो को देख सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने आईपी क्लास 12 के सभी चैप्टर्स के सॉल्यूशन, जो कि सुमिता अरोड़ा टेक्स्टबुक पे बेस्ड हैं, ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपडेटेड हैं या अपलोडेड हैं। ये सारे वीडियो सॉल्यूशंस को आप मेरे चैनल में बनी प्लेलिस्ट, जिसका नाम सुमिता अरोड़ा क्लास 12 आईपी टेक्स्टबुक सॉल्यूशन है, में जाके देख सकते हैं, और मैंने आई बटन पे इसका लिंक भी आपके साथ शेयर कर दिया है। आज के इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, देन इट्स एडवांटेजेस एंड यूजेस, इन द सेंस क्यों हम कंप्यूटर नेटवर्क यूज करते हैं, क्या इसके यूजेस होते हैं। देन वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, जिसमें बेसिकली हम लैन, मैन, वैन और पैन के बारे में डिस्कस करेंगे, एंड ऑब्वियसली इनके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को भी हम सेपरेटली अंडरस्टैंड करेंगे। देन वील टॉक अबाउट नेटवर्किंग टोपोलॉजीज, जिसमें बेसिकली स्टार, बस, रिंग, ट्री एंड मेश टोपोलॉजी को हम डिस्कस करेंगे, एंड यहां पर भी हम इनके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस को सेपरेटली अंडरस्टैंड करेंगे। देन उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे नेटवर्क डिवाइसेस का, जहां पर हम कंप्यूटर नेटवर्क को एस्टैब्लिश करने के लिए जितने भी डिवाइसेस की जरूरत पड़ती है उन सबको डिस्कस करेंगे, लाइक हब, स्विच, रूटर, गेटवे, रिपीटर, मॉडेम एंड NIC कार्ड। एंड आफ्टर दैट वील डिस्कस अबाउट द कंपोनेंट ऑफ नेटवर्क, विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, ऑल्दो इसमें हम ये डिफरेंट डिवाइसेस को इस्तेमाल करते ही हैं, बट समटाइम्स सम क्वेश्चन मे बी आस्क फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक। एंड देन वील डिस्कस अबाउट डिफरेंस बिटवीन, ये मैंने अलग से इस वीडियो ट्यूटोरियल में इंक्लूड किया हुआ है, जो कि ज्यादातर एग्जामिनेशंस में पूछा भी जाता है और इट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसमें जो डिफरेंसेस हमने मेनली कवर किए हैं, दैट इज बेसिकली डिफरेंस बिटवीन लैन एंड वैन, स्टार, रिंग टोपोलॉजी, ट्री, मेश टोपोलॉजी, देन हब एंड स्विच के बीच में क्या डिफरेंस होता है, देन रूटर एंड स्विच के बीच में क्या डिफरेंस होता है, एंड इसके बाद एज यू ऑल नो दैट कि हम डिस्कस करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो कि इन सारे कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होगा, एंड इसके बाद में कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनका आंसर आपको अपनी ओर से रेडी करना है, सो आपकी एक प्रैक्टिस हो जाएगी। एंड इसके बाद में हमने एक केस स्टडी भी इसमें इंक्लूड किया हुआ है इस पर्टिकुलर वीडियो ट्यूटोरियल में। द रीजन इज व्हाट, बिकॉज कंप्यूटर नेटवर्क पे मोस्टली एक केस स्टडी आपके क्वेश्चन पेपर में जरूर होती है, सो अगेन ये आपको काफी हेल्प करेगा इस कंप्यूटर नेटवर्क बेस्ड क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करने में, एज वेल एज सारे कॉन्सेप्ट्स को भी लर्न करने में। नमस्ते स्टूडेंट, दिस इज संजय एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक टिप नाउ। चलिए सीखते हैं और सीखने के साथ साथ समझते भी हैं। बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल इफ यू आर विजिटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। एंड इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो और यू फाइंड इट यूजफुल फॉर यू, देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर इट एज वेल। तो चलिए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस कंप्यूटर नेटवर्क एक्चुअली, और कंप्यूटर नेटवर्क को भी समझने से पहले हम समझने की कोशिश करते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस नेटवर्क एक्चुअली। वेल, जब भी हम किसी नेटवर्क की बात करते हैं, नेटवर्क को हम सिंपली बोल सकते हैं चैन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। चैन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट बोलने का मतलब ये है, लेट सपोज अगर आप किसी फूलों की माला की बात करें, तो जितने भी फूल होते हैं उन सबको आप एक धागे में पिरो देते हैं और इस तरह से आपकी एक माला रेडी हो जाती है। तो वी कैन से दैट ये जो माला है ये हमारी एक नेटवर्क है, नेटवर्क ऑफ फ्लावर वी कैन से। बिल्कुल इसी तरह से जब हम बात करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क की, तो आप आसानी से आप समझ सकते हैं कि जब एक से ज्यादा कंप्यूटर सिस्टम को आप आपस में कनेक्ट कर देते हैं, इट बिकम्स व्हाट ए कंप्यूटर नेटवर्क। इन अर्लियर डेज ऑफ कंप्यूटिंग, जब कंप्यूटर नेटवर्क इवॉल्व हुआ था, जिस समय इंटरनेट का ज्यादा प्रयोग नहीं हुआ करता था, तो कुछ इस तरह से, जैसा आप इस इमेज में देख पा रहे होंगे कि जो इसमें मेनली हमारे कंप्यूटर सिस्टम ही आपस में कनेक्टेड हैं, और इसके अलावा हमने यहाँ पर एक बेसिक पेरिफेरल, दैट इज प्रिंटर को कनेक्ट किया हुआ है। और वी ऑल नो दैट कि जब आप मल्टीपल कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं, तो उनके लिए बीच में हमें एक नेटवर्किंग डिवाइस की जरूरत पड़ती है। से फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे रूटर को लिया हुआ है। तो जैसा मैंने बोला कि शुरुआती दौर में जब कंप्यूटर नेटवर्क की डेफिनेशन होती थी,
वो इसी तरीके से होती थी कि जब एक से ज़्यादा कंप्यूटर्स को आप आपस में कनेक्ट कर देते थे, इट बिकम्स व्हाट ए कंप्यूटर नेटवर्क. बट नाउ अडेज जब हम डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को यूज़ करते हैं, हम डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को यूज़ करते हैं, और चूंकि हर जगह इंटरनेट का बोलबाला है, वी आर लिविंग इन इंफॉर्मेशन एज जहाँ पे कि हम सारा काम तकरीबन इंटरनेट के थ्रू करते हैं, तो हमारे कंप्यूटर नेटवर्क की जो डेफिनेशन है वो भी चेंज हो चुकी है. सो इन द प्रेजेंट एरा वी कैन से दैट कंप्यूटर नेटवर्क इज नॉट ओनली ग्रुप ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एंड इट्स पेरिफेरल्स, वी कैन से इट इज ग्रुप ऑफ मेनी कनेक्टेड डिवाइसेज सच एज यू नो कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर, स्कैनर, मोबाइल डिवाइसेज. Similarly, you can include, you know, Bluetooth devices, say for example, Bluetooth headphone is there, Bluetooth speakers are there, and similarly, you can include smart watches. So, ये जितनी भी devices, जैसे मैंने आपसे बोला कि यदि आपने बात की smart watch की, यदि आपने बात की smart lock की, या आपने बात की headphone की, Bluetooth device जिसमें include होता है, maybe मैं wrong word use कर रहा हूँगा, but जब इन सारे ही devices को आप आपस में connect कर देते हैं, obviously for communication, to receive and send different type of informations, that becomes what your computer network. और इसकी एक खास बात यह होती है कि जब भी हम कंप्यूटर नेटवर्क की बात करते हैं, बिकॉज nowadays जितने भी कंप्यूटर नेटवर्क के डिवाइसेज होते हैं, दे आर बेसिकली कॉल्ड यू नो एक्टिव डिवाइसेज. और जब भी हम एक्टिव डिवाइस की बात करते हैं, इसमें आपका हार्डवेयर तो होता ही होता है, साथ में इसमें सॉफ्टवेयर भी इन्वॉल्व होते हैं. तो इसका मतलब ये है कि कंप्यूटर नेटवर्क ना सिर्फ डिफरेंट टाइप ऑफ हार्डवेयर से मिलकर बनता है, इसमें डिफरेंट सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज भी हमारे इन्वॉल्व होते हैं. मैंने इस इमेज के थ्रू इस मॉडर्न एरा के कंप्यूटर नेटवर्क को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, जहां पर कि हमारा मेन जो नेटवर्क होता है वो कहीं ना कहीं इंटरनेट पे बेस्ड होता है. एंड यू कैन सी ये हमारा एक लोकल एरिया नेटवर्क है जिसमें हमने डिफरेंट कंपोनेंट्स को इन्वॉल्व किया हुआ है, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे फोटोकॉपियर कंप्यूटर सिस्टम हो, इसे हमने इंटरनेट से कनेक्ट किया. एंड वी ऑल नो दैट कि इंटरनेट की सर्विस के लिए हमें जरूरत पड़ती है ISP की, और इंटरनेट में जो भी सर्विसेज आपको मिलती है दैट इज फ्रॉम सर्वर. एंड इसी तरह से रिमोट लोकेशन पे भी एक नेटवर्क हो सकता है जो आपके नेटवर्क के साथ इनडायरेक्टली थ्रू इंटरनेट कनेक्ट हो सकता है. सो ओवरऑल दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस कंप्यूटर नेटवर्क. नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि कंप्यूटर नेटवर्क बनाने की हमें जरूरत क्यों पड़ती है. इन द सेंस मैं बात कर रहा हूँ कंप्यूटर नेटवर्क के एडवांटेजेस क्या होते हैं या कंप्यूटर नेटवर्क के यूजेस क्या हैं. वेल, जहां तक बात है एडवांटेज की या यूजेस की, ऑब्वियसली ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, सबसे बड़ा जो इसका यूज करने का या प्रयोग करने का जो रीजन होता है दैट इज बेसिकली रिसोर्स शेयरिंग. और जब मैं बात कर रहा हूँ रिसोर्स की, तो रिसोर्स आपके हार्डवेयर भी हो सकते हैं, आपके सॉफ्टवेयर भी हो सकते हैं, एंड ऑब्वियसली इन्फॉर्मेशन तो हम हमेशा से ही शेयर करते आए हैं. तो कंप्यूटर नेटवर्क बनाने का जो सबसे बड़ा एडवांटेज होता है दैट इज योर रिसोर्स शेयरिंग. रिसोर्स शेयरिंग का मतलब ये है, जैसे मैंने आपसे बात की हार्डवेयर रिसोर्सेज की, हार्डवेयर रिसोर्सेज मतलब आप प्रिंटर को शेयर कर सकते हैं, स्कैनर, फोटोकॉपियर, CD ड्राइव्स को. चलिए इसे एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं. से फॉर एग्जाम्पल आई हैव 4 डिफरेंट कंप्यूटर सिस्टम्स एंड ऑल आर केप्ट से इंडिपेंडेंटली, इनमें कहीं पे भी आपस में कोई कनेक्शन नहीं है. एंड सपोज दैट मुझे सभी कंप्यूटर सिस्टम से प्रिंट आउट निकालने की आवश्यकता पड़ती है, तो ऐसी सिचुएशन में जाहिर सी बात है कि हमारे पास सारे ही कंप्यूटर सिस्टम के लिए इंडिपेंडेंट प्रिंटर्स होने चाहिए जिनको मैं इनके साथ में आपस में कनेक्ट कर सकूं. लेकिन अगर मैं इस तरह की व्यवस्था का पालन करूं या इस तरह की अरेंजमेंट करता हूं, तो मेरा जो कॉस्ट है मेरे इंफ्रास्ट्रक्चर का वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो सकता है. बट इंस्टेड ऑफ दैट, अगर मेरे ये सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड हो, इन द सेंस एक कंप्यूटर नेटवर्क हो, और यहां पर मैं अपने मेन किसी एक नोड के साथ इस प्रिंटर को आपस में कनेक्ट कर दूं, सो इससे फायदा हमारा ये होगा कि इस एक प्रिंटर को ये सारे ही कंप्यूटर एक्सेस कर पाएंगे, मतलब इस रिसोर्स को ये यूज कर पाएंगे. सो दिस इज वी कैन से इज ऑल अबाउट हार्डवेयर रिसोर्स शेयरिंग. और हार्डवेयर शेयरिंग का मतलब ये सिर्फ प्रिंटर तक सीमित नहीं है, आप चाहें तो स्कैनर भी कनेक्ट कर सकते हैं, आप चाहें तो एक फोटोकॉपी मशीन को भी कनेक्ट कर सकते हैं अपने इस मेन नोड के साथ में, और उसे बाकी सब लोग इस्तेमाल कर सकते हैं. इसी तरह से दूसरा जो इम्पॉर्टेंट एडवांटेज है, जब हम रिसोर्स शेयरिंग की बात करते हैं, दैट वी कैन से इज ऑल अबाउट योर सॉफ्टवेयर रिसोर्सेस या सॉफ्टवेयर को शेयर करना. ना, सॉफ्टवेयर शेयरिंग करने का मतलब ये है, लेट सपोज मेरी मेडिकल की शॉप है और मेरी मेडिकल की शॉप में मेरे पास 5 इस तरह से कंप्यूटर लगे हुए हैं,
और यदि ये पांचों कंप्यूटर इंडिपेंडेंट हो, नेटवर्क में ना हो, तो इन पांचों में मुझे उस मेडिकल शॉप का से एक सॉफ्टवेयर होता है जिसका नाम है मार्ग, जो कि ज्यादातर मेडिकल शॉप्स वालों के लिए इस्तेमाल किया जाता है या उनके द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। अब ये या तो इन सब में मैं इंडिपेंडेंटली डालूं, या फिर मैं एक काम करूं कि इस मार्ग सॉफ्टवेयर को अपने मेन कंप्यूटर में डाल दूं और इन सारे कंप्यूटर को इस कंप्यूटर के साथ में कनेक्ट कर दूं, एंड इसके बाद में मैं इस मार्ग का एक्सेस या इस सॉफ्टवेयर का एक्सेस इन सारे कंप्यूटर को अगर दे दूं, तो सारे ही लोग एट ए टाइम इस सॉफ्टवेयर पे बैठ के वर्कआउट कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट यू नो सॉफ्टवेयर शेयरिंग। एंड लास्ट देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वी ऑल नो दैट कंप्यूटर नेटवर्क का जो मेन रीजन है आपस में कनेक्ट करने का या नेटवर्क बनाने का, दैट इज ऑल अबाउट यू नो इन्फॉर्मेशन शेयरिंग। इन्फॉर्मेशन शेयरिंग का मतलब आपने कोई एक डॉक्यूमेंट रेडी किया डॉक वन, और एट द सेम टाइम उस डॉक्यूमेंट को आप सारे ही नोट्स को या कंप्यूटर सिस्टम को शेयर कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड दिस रिसोर्स शेयरिंग ऑप्शन। इसी तरह से सेकेंड यू कैन सी हियर इंक्रीज्ड स्टोरेज कैपेसिटी। देखिये, जब आप कंप्यूटर का नेटवर्क स्टैब्लिश करते हैं तो जनरली जो उसमें सर्वर हम लेते हैं वो हाई स्टोरेज कैपेसिटी का हम रेडी करते हैं, बिकॉज हमें ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को वहां पे मैनेज करना पड़ता है। इसके अलावा दूसरे तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे कंप्यूटर नेटवर्क में जितने भी नोड होते हैं, यदि उनका टोटल स्टोरेज कैपेसिटी को आप काउंट करें, तो वो एक इंडिविजुअल कंप्यूटर के कंपैरिजन में काफी ज्यादा हो सकता है। इन द सेंस, यहां पर मेरा ये कंप्यूटर 1 TB का है, दिस इज माई 1 TB, ये दूसरा मेरा कंप्यूटर 1 TB का है, ये भी मेरा 1 TB का है, और मेरा जो सर्वर है दैट इज अगेन 1 TB का। तो इसका मतलब इन चारों का कलेक्टिव स्टोरेज कैपेसिटी अगर आप निकालें, इट बिकम्स व्हाट योर 4 TB। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जब हम सारे ही कंप्यूटर्स को नेटवर्क में एस्टैब्लिश कर देते हैं, तो जाहिर सी बात है हमारे स्टोरेज की कैपेसिटी भी काफी हद तक इंक्रीज हो जाती है। और इसी तरह से जैसा हमने देखा कि हमने एक प्रिंटर को सारे ही कंप्यूटर के साथ में शेयर करवा दिया, तो यदि 10 कंप्यूटर रहते और अगर वो नेटवर्क में नहीं रहते तो 10 प्रिंटर की जरूरत पड़ती, लेकिन एक ही प्रिंटर से हमारा काम हो रहा है। तो इसका मतलब जब आप कंप्यूटर को नेटवर्क में एस्टैब्लिश करते हैं तो हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट है वो काफी हद तक रिड्यूस हो जाती है। एंड इसी तरह से अगला जो रीजन है कंप्यूटर नेटवर्क एस्टैब्लिश करने का, दैट इज कलेक्टिव यूजर इंटरैक्शन। कलेक्टिव यूजर इंटरैक्शन का मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट मल्टी यूजर एनवायरनमेंट। जैसा कि अभी आपको मैंने बताया कि अगर हमने कोई से कंप्यूटर नेटवर्क रेडी किया हुआ है और हमने सेंट्रल लोकेशन पे कोई एक प्रोग्राम रेडी किया हुआ है या प्रोग्राम रखा हुआ है, से फॉर एग्जांपल S1 इज माय नेम ऑफ सॉफ्टवेयर, तो ये चारों ही नोड्स जो हैं एट ए टाइम इस S1 पे एक ही प्रोजेक्ट पे वर्कआउट कर सकते हैं। सो इट इज कॉल्ड यू नो कलेक्टिव यूजर इंटरैक्शन, मतलब एक ही टॉपिक पे एक ही प्रोजेक्ट पे एक साथ कई लोगों का काम करना पॉसिबल होता है जब आप कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर देते हैं। और इसी तरह से ऑब्वियसली वी ऑल नो दैट कि जो कम्युनिकेशन होती है या जो अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन होती है 24/7 हमें इंटरनेट में मिलती है। मैं इंटरनेट का यहाँ पे एग्जाम्पल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। सो इस पॉइंट का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कंप्यूटर नेटवर्क एस्टैब्लिश करने का मतलब है कि इंफॉर्मेशन की अवेलेबिलिटी हमेशा होना और कम्युनिकेशन का सही तरीके से इंस्टेंटली डिलीवर होना एक नोड से दूसरे नोड पे। सो दीज आर दी एडवांटेजेस वी कैन अंडरस्टैंड ऑफ ए कंप्यूटर नेटवर्क। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क आर देयर, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। वेल, जब भी हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क की, आइडियली तो हमारे तीन टाइप ऑफ नेटवर्क होते हैं। वन इज योर लोकल एरिया नेटवर्क विच इज कॉल्ड LAN, सेकेंड इज नोन एज वॉट योर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क विच इज कॉल्ड MAN, एंड थर्ड इज वॉट योर वाइड एरिया नेटवर्क विच इज एक्चुअली कॉल्ड यू नो WAN। बट nowadays, as I said, modern era में एक और नेटवर्क इंट्रोड्यूस हुआ है, दैट इज कॉल्ड योर पर्सनल एरिया नेटवर्क, जिसे हम PAN के नाम से जानते हैं। Although this PAN is actually what your local area network, but as I said, जमाना हमारा इंटरनेट का है जहां पर हम वायर्ड या वाईफाई टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए डिफरेंट डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। सो दैट्स वाई वी आर टॉकिंग अबाउट पर्सनल एरिया नेटवर्क। चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं हमारे लोकल एरिया नेटवर्क की। वेल, लोकल एरिया नेटवर्क को मैं अपनी लैंग्वेज में बोलूं तो आई कैन सिंपली से दैट अ कंप्यूटर नेटवर्क एस्टैब्लिश अंडर ए रूफ, किसी एक बिल्डिंग में एक ही छत के नीचे जितने भी कंप्यूटर्स हैं, चाहे वो 10 हों, 20 हों, 50 हों, 100 हों, उन सबको यदि आप आपस में कनेक्ट कर देते हैं, इट बिकम्स व्हाट योर लोकल एरिया नेटवर्क।
एंड इसके नाम से ही हमें समझ में आ रहा है कि ऐसा नेटवर्क जो किसी एक लोकल एरिया में एस्टैब्लिश किया गया हो. सो वी कैन से दैट इज अ कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स एंड इट्स एसोसिएटेड डिवाइसेस दैट आर लोकेटेड इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी. एक क्लोज एरिया में कंप्यूटर और उससे रिलेटेड अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को जब आपस में इंटरकनेक्ट कर देते हैं, इट बिकम्स व्हाट योर लोकल एरिया नेटवर्क और वी कैन से व्हाट लैन. सो एज यू कैन सी इन दिस इमेज, दिस इज माई रूटर, दिस इज माई नेटवर्क डिवाइस, दिस इज माई सेंट्रल डिवाइस, जिसकी हेल्प से मैंने सारे ही कंप्यूटर सिस्टम को प्लस उससे रिलेटेड जो डिवाइसेज हैं उनको आपस में कनेक्ट कर दिया है. दिस इज व्हाट योर लैन. एंड जब लैन की आप कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो वी कैन इजिली अंडरस्टैंड दैट कि जो इसकी रेंज होती है, जो इसका एरिया होता है, दैट इज मैक्सिमम ऑफ 1 किलोमीटर. बट आई वुड से 1 to 5 किलोमीटर की रेंज में जब आप कोई कंप्यूटर नेटवर्क स्टैब्लिश करते हैं, इट बिकम्स व्हाट योर लोकल एरिया नेटवर्क. ज्यादातर ये जो लोकल एरिया नेटवर्क होता है ये एक पर्सनल नेटवर्क होता है, इन द सेंस ये किसी एक इंडिविजुअल के द्वारा ऑपरेट किया जाता है या इंडिविजुअल के द्वारा अपने वर्क के लिए, अपने ऑफिशियल वर्क के लिए स्टैब्लिश किया जाता है. और चूंकि इसका एरिया कम होता है जिसकी वजह से इसमें जो डेटा ट्रैवलिंग की स्पीड होती है वो काफी ज्यादा होती है, और ऑब्वियसली क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कंप्यूटर्स कम होते हैं, नंबर ऑफ डिवाइसेस की जरूरत हमें कम पड़ती है, इसलिए इसका इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस भी क्या होता है, काफी इजी हो जाता है. सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड दिस लोकल एरिया नेटवर्क. लेट्स टॉक अबाउट मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. नाउ वी ऑल नो दैट मेट्रोपॉलिटन का मतलब हम बात कर रहे हैं किसी सिटी की. अर्लियर डेज ऑफ कंप्यूटिंग, जैसा मैंने आपको बोला कि इनिशियली जब शुरुआती दौर में कंप्यूटर नेटवर्क यूज होता था तो उस समय मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का मतलब ही ये होता था कि जो सिर्फ मेट्रो सिटीज लाइक मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई जैसी जगहों में जिस कंप्यूटर नेटवर्क को अगर हमने सिटी के डिफरेंट लोकेशंस पे एस्टैब्लिश किया उसे ही हम मैन बोलते थे. बट नाउअडेज किसी भी टाइप ऑफ सिटी, बिकॉज आज की डेट में हर एक सिटी का जो एरिया है, जो जियोग्राफिकल एरिया है, वो काफी एक्सपेंड हो चुका है. सो 5 to 50 किलोमीटर की रेंज के बीच में जितने भी कंप्यूटर्स या नेटवर्क आपस में कनेक्टेड होते हैं दे आर बेसिकली नोन एज व्हाट योर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. मैं अपनी लैंग्वेज में अगर बात करूं तो आई कैन सिंपली से दैट अ कंप्यूटर नेटवर्क एस्टैब्लिश अंडर ए सिटी. और इसे थोड़ा बेहतर तरीके से यदि हम समझाना चाहें तो वी कैन से दैट इट इज कलेक्शन ऑफ इंटर कनेक्टेड कंप्यूटर एंड इट्स एसोसिएटेड डिवाइसेज. एसोसिएटेड डिवाइसेज इन द सेंस इट कैन बी एनी हार्डवेयर पेरिफेरल और एनी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लाइक मोबाइल, लाइक फोटोकॉपियर एंड एवरीथिंग that are located at one geographic location such as multiple office building in a city. अगर जैसे उदाहरण की हम बात करें तो म्यूनिसिपल ऑफिस यदि आपके सिटी में जितने भी होते हैं अलग अलग वार्ड्स में, उन सारे ऑफिसेस को जब आप उनके जितने भी कंप्यूटर सिस्टम आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, इट establishes what this man or you can say metropolitan area network. Similarly, जितने भी पुलिस स्टेशन हमारी लोकल सिटी में है वो भी जब आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, इट मेक्स वॉट योर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. एंड एज आई सेड 5 to 50 किलोमीटर की रेंज इसकी मैक्सिमम होती है, यूजली ऑपरेटेड बाई पर्सनल और इंडिविजुअल और यू कैन से द कंसोर्टियम ऑफ पीपल और एन ऑर्गेनाइजेशन. तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क किसी एक इंडिविजुअल के द्वारा भी किया जा सकता है, स्टैब्लिश किया जा सकता है, या किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी कंसोर्टियम ऑफ पीपल के द्वारा भी बनाया जा सकता है. जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया म्यूनिसिपल ऑफिस या पुलिस स्टेशन का, तो जैसे यहाँ पे इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, हालांकि मैंने यहाँ पे इंटरनेट लिखा हुआ है, इट शुड बी पब्लिक नेटवर्क, क्योंकि मैन जो होता है वो पब्लिक भी हो सकता है और प्राइवेट भी हो सकता है. सो इन दिस इमेज यू कैन अंडरस्टैंड कि ये हमारा मेन ऑफिस है और ये उसकी दो डिफरेंट ब्रांचेज हैं जो हमारी लोकल सिटी में है, और इनके सारे ही सिस्टम आपस में मे बी इंटरनेट या अपने पब्लिक नेटवर्क की हेल्प से कनेक्ट हो सकते हैं. सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड दिस मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वाइड एरिया नेटवर्क. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दिस वाइड एरिया नेटवर्क? एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज द लार्जेस्ट कंप्यूटर नेटवर्क, और ये डिफरेंट जियोग्राफिक लोकेशन पे जब आप से कंप्यूटर नेटवर्क को आपस में कनेक्ट कर देते हैं, इट बिकम्स व्हाट योर वाइड एरिया नेटवर्क और यू कैन से वैन. सो यदि हमें इसे फॉर्मली डिफाइन करना हो, सो वी कैन से इट इज कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स एंड इट्स एसोसिएटेड डिवाइसेस दैट आर लोकेटेड एट डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशन लाइक डिफरेंट सिटीज, इट कैन बी डिफरेंट स्टेट्स और यू कैन से द कंट्रीज.
So it is the largest computer network, or you can say the large computer network, such as two or more LANs. So nowadays internet is the best example of your wide area network. Although आप internet को अलग से as a network define कर सकते हैं, but चूंकि एक wide area network ही होता है, इसलिए हम consider कर सकते हैं इसे as a wide area network or WAN. जहां तक बात है इसके characteristics की, we all know that it covers very long distance area, usually operated by you know national or multinational organization. Mostly ये public ही होता है. जैसे मैंने बोला कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑल ओवर इंडिया में इसकी जितनी भी ब्रांचेस हैं वो सारी आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं. सो वी कैन से दैट SBI इज व्हाट एन एग्जांपल ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क. सो ऑल दी नेशनल बैंक्स, रेलवेज या इनका जो आपस में नेटवर्क होता है, दैट कैन बी सेड व्हाट वाइड एरिया नेटवर्क, एंड इंटरनेट इज ऑब्वियसली देयर. So this is how we can understand this wide area network. So let's talk about another network, that is basically personal area network. Although personally agar main sochu to ye koi network type to nahi hota hai, but again theoretically we can say it is there, isliye main ise discuss kar raha hu. Personal area network is basically local area network jo aap apne liye ready karte hain. So in my language I can say that a computer network established under a room, मतलब किसी एक रूम के अंदर अगर आप डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को थ्रू वाईफाई या वायर्ड वे पे भी कनेक्ट कर दें, सो दैट बिकम्स व्हाट अ पर्सनल एरिया नेटवर्क. फॉर्मली यदि इसे डिफाइन करना हो, सो वी कैन से दैट इट इज कलेक्शन ऑफ वेरियस इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस, एंड इट मे बी योर कंप्यूटर, मोबाइल डिवाइसेस, फैक्स मशीन और प्रिंटर्स, जो कि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए ही अवेलेबल होता है या वो अपने लिए ही रेडी करता है. ज्यादातर इसमें वाईफाई कनेक्टिविटी का हम इस्तेमाल करते हैं, यूजुअली ऑपरेटेड बाय ऑब्वियसली इंडिविजुअल्स, और ज्यादा से ज्यादा ये 30 टू 50 मीटर्स का एरिया कवर कर सकता है. इट अगेन डिपेंड्स अपॉन द वाईफाई डिवाइस यू आर यूजिंग. यू नो देयर आर सम डिवाइसेस विच मे सपोर्ट, यू कैन से और कैन सपोर्ट यू नो द डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर्स. सो इन जनरल जो हम नॉर्मली हम बात करते हैं, दैट इज ऑब्वियसली 30 टू 50 मीटर्स, बट आई हैव रिटन दिस 10 टू 30 मीटर. And similarly, it is obviously a private network. And with the help of this image, you can understand there is one computer जिसे मैंने अपने personal devices जितने भी हैं उसके साथ connect कर दिया है using this Wi-Fi. So this is how we can understand this personal area network. तो ये तो बात हुई कि different types of computer network कौन से होते हैं. इसके बाद में हम आते हैं अपने अगले topic पे, that is again very important to understand, which we know as network topology. Well, what do you mean by this topology actually? See, topology का मतलब actually होता है कि हम बात कर रहे हैं arrangement of items की, और we can say arrangement of objects. So जब हम बात करते हैं network topology की, so it's all about, I can say that geometrical arrangement of interconnected nodes, nodes in the sense, now remember this always that whenever I am using this word node, especially in the context of this computer network, it's all about the computer system or the workstation which is part of a computer network, and it is generally you know treated as a client which actually receives what the services from the server. So use hum actually bolte hain kya node, but jaise aap is diagram mein dekhenge ye sare hi hum kya bol sakte hain ek node hai. तो इन नोड्स का जो कलेक्शन होता है, इनका जो जियोग्राफिकल अरेंजमेंट होता है, ये किस तरह से किस जियोग्राफिक, आई वॉज यूजिंग जियोग्राफिकल, इट इज एक्चुअली जियोमेट्रिकल. सो जो जियोमेट्रिकल अरेंजमेंट होता है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड टोपोलॉजी. सो फॉर्मली अगर मुझे इसे डिफाइन करना हो, सो आई कैन से दैट इट इज अ लेआउट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ए कंप्यूटर नेटवर्क दैट डिफाइंस द पैटर्न ऑफ ऑल डिवाइसेस कनेक्टेड टू ईच अदर. लाइक ये डिफरेंट पैटर्न्स आप देख पा रहे होंगे. आप देख रहे हैं यहाँ पर एक सर्कुलर पैटर्न है, यहाँ पे एक लीनियर पैटर्न है, यहाँ पर एक स्टार का पैटर्न हमें दिख रहा है, और यहाँ पर एक काफी कॉम्प्लिकेटेड पैटर्न है विच वी कॉल यू नो मेश पैटर्न. सो डिफरेंट टाइप ऑफ पैटर्न्स या जो कंप्यूटर नेटवर्क का जो लेआउट होता है, दैट इज बेसिकली नोन एज व्हाट योर नेटवर्क टोपोलॉजी. नाउ नेटवर्क टोपोलॉजी बनाने के पीछे भी बहुत सारे रीजन्स हैं कि आपके नेटवर्क की साइज क्या है, कैपेसिटी क्या है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर इस्टैब्लिश करने का कॉस्ट क्या है, आपकी रिक्वायरमेंट या डिस्टेंस कवरिंग कितनी है इंफॉर्मेशन ट्रैवलिंग की,
ट्रैफिक लोड कितना है, उन सारी चीजों की बेसिस पे हम क्या करते हैं, जो भी बेस्ट सूटेड टोपोलॉजी होती है उसे हम अपने कंप्यूटर नेटवर्क एस्टैब्लिश करने के लिए अडॉप्ट कर सकते हैं। देयर आर वेरियस टाइप ऑफ टोपोलॉजीज, एज यू कैन सी एक्चुअली आई हैव रिटन इट इज 4, इट इज एक्चुअली 5, स्टार टोपोलॉजी, बस और लीनियर, रिंग टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी एंड मेज टोपोलॉजी। तो ये सारी डिफरेंट टोपोलॉजीज होती हैं या जियोमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क होते हैं। चलिए इन सारी टोपोलॉजी को एक एक करके हम समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्टार टोपोलॉजी। नाउ एज इट नेम इम्प्लाइज, जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से एज ए स्टार हो, दैट इज बेसिकली व्हाट स्टार टोपोलॉजी एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज टोपोलॉजी। इस टोपोलॉजी में बेसिकली क्या होता है, हमारे पास एक सेंट्रल डिवाइस होता है। ज्यादातर इस सेंट्रल डिवाइस में हम हब को या स्विच को रखते हैं, या आप अपने कंप्यूटर सिस्टम को भी रख सकते हैं एज ए सर्वर। और इस सर्वर से हम क्या करते हैं, बाकी सारे ही नोड्स को या अदर डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करते हैं। इस पर्टिकुलर टोपोलॉजी में जो भी इंफॉर्मेशन सपोज नोड वन ने सेंड की, तो आपका जो सेंट्रल डिवाइस होता है, चाहे वो सर्वर हो या हब हो, स्विच हो, वो डिसाइड करता है कि जो भी सिग्नल उसे रिसीव हुआ है, जो भी इंफॉर्मेशन इसे रिसीव हुआ है, वो किस पर्टिकुलर नंबर ऑफ नोड को मुझे सेंड करना है। इन द सेंस आपका सेंट्रल डिवाइस जो है वो डिसाइड कर सकता है कि जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है उसे किस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन तक पहुंचाना है, क्या उसे सबको ब्रॉडकास्ट करना है या उसे फिल्टर करके किसी एक तक पहुंचाना है। सो दिस इज अबाउट द स्टार टोपोलॉजी। नाउ द क्वेश्चन इज दैट व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, लेट्स टॉक अबाउट इट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एडवांटेजेस, सो ऑब्वियसली इट इज वेरी लेस एक्सपेंसिव, सिमिलरली इट इज वेरी इजी टू इंस्टॉल एंड अपडेट, एंड वी कैन ट्रबल शूट द प्रॉब्लम इफ एनी अकर्स इन दिस स्टार टोपोलॉजी नेटवर्क वेरी इजिली। सो इसकी जो ट्रबल शूटिंग होती है वो काफी ईजी होती है। इसके अलावा यहाँ पर बिना नेटवर्क को इंटरप्ट किए हुए हम किसी भी नोड को, नए नोड को इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। इट इज ए रोबस्ट नेटवर्क। रोबस्ट का मतलब ये है, से फॉर एग्जाम्पल मेरा ये नोड वर्क करना बंद कर देता है, सपोज इट यू नो गेट फेल्ड, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में ये नहीं है कि हमारा पूरा ही नेटवर्क यू नो डाउन हो जाए, हमारा बाकी नेटवर्क कंटिन्यूसली उसमें कम्युनिकेशन कंटिन्यू होता है इवन दो कोई नोड अगर फेल हो जाए। सो दैट्स वाई वी कैन से इट इज रोबस्ट। सो ये तो कुछ बात हुई हमारे एडवांटेजेस की। सिमिलरली देर आर सम डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस स्टार टोपोलॉजी एज वेल, वो क्या है वो भी देखते हैं। अगर डिसएडवांटेजेस की बात करें तो बिकॉज यहाँ पे ये सेंट्रली डिवाइस या सेंट्रली लोकेटेड सर्वर के साथ सारे ही नोड कनेक्टेड होते हैं, अगर ये यहाँ पे डाउन हो जाए इसका मतलब मेरा पूरा नेटवर्क क्या हो जाएगा, वो डाउन हो जाएगा। दूसरा, इस सेंट्रल डिवाइस की जो परफॉर्मेंस होती है वो ही इस पूरे नेटवर्क की परफॉर्मेंस को डिसाइड करती है। तो अगर इसकी परफॉर्मेंस पुअर होगी तो हमारे पूरे नेटवर्क की परफॉर्मेंस भी क्या हो सकती है, पुअर हो सकती है। और चूंकि यहाँ पर जो नोड्स होते हैं वो कहीं पे भी इस्टेब्लिश किए जा सकते हैं, और उसको चूंकि हम एक सेंट्रल सर्वर या डिवाइस के साथ कनेक्ट करते हैं, तो हमें लॉन्ग लेंथी केबल की जरूरत पड़ती है डिफरेंट डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करने की। सो दीज आर सम डिसएडवांटेजेस वी कैन अंडरस्टैंड। लेट्स टॉक अबाउट बस टोपोलॉजी, विच इज ऑल्सो नोन एज वॉट योर लीनियर टोपोलॉजी, एंड इट इज अगेन वन ऑफ द सिंपलेस्ट टोपोलॉजी यूज फॉर नेटवर्क। बस टोपोलॉजी में क्या होता है, जितने भी नोड्स होते हैं वो बेसिकली एक दूसरे के साथ एक सिंगल केबल के साथ क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। और ये जो सिंगल केबल होती है, जिसे हम इसकी लाइफलाइन भी बोल सकते हैं या इसे ज्यादातर हम बैकबोन के नाम से जानते हैं, इस बैकबोन से ही ये सारा नेटवर्क हमारा एस्टैब्लिश होता है और सारे ही नोड्स जो होते हैं वो इस बैकबोन से ही कनेक्टेड होते हैं। अगर कोई इंफॉर्मेशन किसी एक नोड के द्वारा ट्रांसमिट की जाती है तो वो सारे ही नोड तक पहुंचती है, बट उसके बाद में केवल उसी नोड में वो प्रोसेस होती है जिस नोड का एड्रेस उस इंफॉर्मेशन के साथ सेंड किया जाता है। इन द सेंस यदि यहां से कोई इस पर्टिकुलर नोड से मैंने कोई इंफॉर्मेशन सेंड की, तो इस इंफॉर्मेशन के साथ में उसका एक एड्रेस भी होता है, लाइक PC3 एंड दिस इज माई PC3। तो जब वो सारे ही नोड्स पे पहुंचती है तो इन नोड्स के पास ये एबिलिटी होती है कि दे कैन डिसाइड कि क्या मुझे इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना है या नहीं करना है। अगर एड्रेस मैच नहीं हो रहा तो ऑब्वियसली वो प्रोसेस नहीं होता है।
और फाइनली जिस नोड के एड्रेस के साथ उस इंफॉर्मेशन का एड्रेस मैच हो जाता है वहां पर वो डेटा या इंफॉर्मेशन प्रोसेस हो जाती है। दिस इज व्हाट योर लीनियर टोपोलॉजी। इसके भी कुछ एडवांटेजेस हैं, जिसमें सबसे पहली बात तो ये कि सबसे ज्यादा इजिएस्ट है डिजाइन करने के लिए, इंस्टॉल करने के लिए। दूसरा, चूंकि इसमें सिंगल केबल का हम इस्तेमाल करते हैं और बाकी सारे नोड्स उससे कनेक्ट होते हैं, इसलिए लेस केबल की हमें जरूरत पड़ती है, केबल लेंथी हमें जरूरत नहीं पड़ती। और लोकल एरिया नेटवर्क या स्मॉल नेटवर्क बनाने के लिए सबसे बेस्ट सूटेड टोपोलॉजी हमारी बस टोपोलॉजी होती है। ये काफ़ी सस्ता होता है और साथ ही साथ इसमें किसी भी नए नोड को ऐड करना या बढ़ाना हमारे लिए काफ़ी आसान होता है। सो दीज आर सम एडवांटेजेस। अगर मैं डिसएडवांटेजेस की बात करूँ, सो आई कैन सिंपली से दैट पहली चीज़ तो ये कि हम वाइड एरिया नेटवर्क के लिए इसे यूज़ नहीं कर सकते। अगर इसकी ये बैकबोन जो है अगर वो फेल हो गई तो पूरा नेटवर्क हमारा क्या हो जाएगा, डाउन हो सकता है। हालांकि इसका डिज़ाइन जो होता है वो सिंपल होता है, लेकिन कहीं किसी नोड में अगर फॉल्ट आ जाए तो उसे ट्रबल शूट करना एक डिफ़िकल्ट टास्क होता है हमारे इस टोपोलॉजी में। और इसमें जो डेटा लॉस होते हैं उसके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, प्लस साथ ही साथ ये नेटवर्क हमारा स्लो भी होता है। सो दिस हाउ वी कैन अंडरस्टैंड डिसएडवांटेजेस। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टोपोलॉजी, दैट इज रिंग टोपोलॉजी। एंड एज इट नेम इम्प्लाइज सर्कुलर टोपोलॉजी वी आर टॉकिंग अबाउट, जहाँ पर कि जितने भी नोड्स होते हैं वो एक रिंग का फॉर्म रेडी करते हैं, एक सर्कुलर पाथ रेडी करते हैं। और ये जो नोड होते हैं वो अपने जो एडजेसेंट नोड्स होते हैं या जो नेबरिंग नोड्स होते हैं दोनों एंड के, उनसे कनेक्टेड होते हैं। तो कोई जरूरी नहीं कि ये सर्कुलर फॉर्म पे हो, ये कुछ इस तरह से भी आप बना सकते हैं। तो ओवरऑल रेक्टेंगुलर फॉर्म भी होता है, बट आइडियली हम इसे सर्कुलर टोपोलॉजी के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर क्या होता है कि यदि कोई नोड के द्वारा कोई इन्फॉर्मेशन सेंड की गई, सपोज ये मेरी नोड है, इसके द्वारा अगर कोई इन्फॉर्मेशन सेंड की जाती है तो ये तब तक ट्रैवल करता है जब तक वो अपने फाइनल डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच जाता। लेट सपोज ये यहाँ पे पहुंचेगा, इसके बाद इसकी ट्रैवलिंग स्टॉप हो जाती है। और ज़्यादातर रिंग टोपोलॉजी में जो मोड ट्रांसमिशन का इस्तेमाल किया जाता है, दैट इज ऑलवेज योर हाफ डुप्लेक्स मोड। हाफ डुप्लेक्स बोलने का मतलब ये रहता है कि वन वे कम्युनिकेशन होता है हमारे रिंग टोपोलॉजी में। मतलब एक टाइम यदि इस नोड ने डेटा सेंड किया तो जब तक ये अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचता नहीं है तब तक दूसरा जो सेंडिंग का ऑपरेशन है वो वर्कआउट नहीं करता। इन द सेंस एट द सेम टाइम अगर सेंड हो रहा है तो डेटा ये नोड रिसीव नहीं कर सकता है। बात करते हैं इसके एडवांटेजेस की। अगर हम इसके एडवांटेजेस की बात करें, सो इट इज़ वेरी कॉमन अगेन दैट इसमें किसी सर्वर की हमें जरूरत नहीं पड़ती, मीन्स इसमें सेंट्रलाइज कंट्रोल नहीं होता है। डेटा कॉलिजन रेट जो होता है, डेटा का आपस में क्लैश करने का रेट बहुत ही कम होता है, बिकॉज एज आई सेड हाफ डुप्लेक्स मोड में हमारा डेटा इसमें ट्रैवल करता है, मतलब वन वे कम्युनिकेशन होता है। इस टोपोलॉजी का मेंटेनेंस और ट्रबल शूटिंग हमारे लिए आसान है। और इसका चूंकि ये भी लैन के लिए ज़्यादा सुटेबल होता है तो इसका जो कम्युनिकेशन स्पीड है वो काफ़ी फास्ट होता है। और जितने भी नोड्स होते हैं उन सब के पास सेम पावर होती है, अर्थात वो जितने भी रिसोर्सेज हमारे इस नेटवर्क में अवेलेबल होते हैं, ट्रैवल करते हैं, उनको इक्वली क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। एंड इसी तरह से कुछ इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, वो भी हम देखते हैं। ऑब्वियसली कोई भी एक नोड भी फेल हो गया तो पूरा नेटवर्क हमारा शटडाउन हो सकता है। सिक्योरिटी इसमें बहुत कम होती है। ऑब्वियसली स्टार टोपोलॉजी के कंपैरिजन में इसकी स्पीड कम होती है और ये थोड़ा महंगा नेटवर्क होता है, बिकॉज इसमें जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं दे आर ऑल ऑफ से इक्वल पावर। इस वजह से इसमें जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं वो एक्सपेंसिव होते हैं, जिसकी वजह से इसका रेट इंक्रीज हो जाता है। तो ये तो बातें हुई हमारे रिंग टोपोलॉजी की। इसी तरह से नेक्स्ट जो टोपोलॉजी है दैट इज कॉल्ड ट्री टोपोलॉजी, चलिए डिस्कस करते हैं। इन ट्री टोपोलॉजी बेसिकली इसे हम स्टार बस टोपोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। इन द सेंस हमारा जो स्टार टोपोलॉजी होता है लाइक दिस, और इसके बाद इन टोपोलॉजी को एक बस टोपोलॉजी के साथ में इस तरह से इन्वॉल्व कर देना, दिस बिकम्स व्हाट योर ट्री टोपोलॉजी। लाइक दिस यू कैन अंडरस्टैंड, और इस फिगर में भी आप इसे समझ सकते हैं, इसलिए हम इसे स्टार बस टोपोलॉजी के नाम से जानते हैं। एक्चुअली इसमें जो लोअर लेवल के कंपोनेंट्स होते हैं वो अपने हायर लेवल के कंपोनेंट्स के साथ क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। एक्चुअली ये मेरा लोअर लेवल है, ये इस हायर लेवल से कनेक्टेड है,
ये अपने स्विच या रूटर के साथ कनेक्टेड है, जो हमारी इस बैकबोन के साथ क्या होता है, कनेक्टेड। इसे हम पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन भी बोल सकते हैं। इट क्रिएट्स अ पेरेंट चाइल्ड हायरार्की एज देयर कैन बी ओनली वन कनेक्शन बिटवीन टू नोड्स एंड टू नोड्स कैन हैव ओनली वन म्यूचुअल कनेक्शन। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेम्बर और यू कैन से द अंडरस्टैंड दैट कि हर एक जो आप नोड को देख रहे हैं उसका केवल एक ही कनेक्शन होता है, और जो दो नोड्स होते हैं उनके बीच में आपस में जो कनेक्शन होता है वो एक सिंगल कनेक्शन होता है या एक म्यूचुअल कनेक्शन एस्टैब्लिश होता है। सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड दिस ट्रू टोपोलॉजी। जहां तक वाइड एरिया नेटवर्क की बात है वहां पर हम ट्री टोपोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, या मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के लिए हमें ट्रू टोपोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, चलिए उसे समझने की कोशिश करते हैं। पहली बात तो ये, एज आई सेड, कि इट इज मोस्ट सुटेबल फॉर लार्ज नेटवर्क्स। एंड दूसरी खास बात यह होती है कि यदि इसमें कोई एक नोड या पूरा एक नेटवर्क से फेल भी हो जाता है तो भी हमारा ये जो ट्री टोपोलॉजी बेस्ड नेटवर्क होता है ये कंटिन्यू होता है, कोई इंटरप्शन इसमें नहीं आता इसके किसी भी सर्विसेज में। सिमिलरली ट्री टोपोलॉजी ज्यादातर इस्तेमाल की जाने वाली टोपोलॉजी है, तो इसके सपोर्ट के लिए बहुत सारी वेंडर्स या ऑर्गेनाइजेशंस मार्केट में अवेलेबल है। सो आई कैन से इट लार्ज कम्युनिटी ऑफ सपोर्ट इज देयर एंड इट प्रोवाइड हाईली सिक्योर्ड नेटवर्क। इसमें जो सिक्योरिटी होती है इन कंपेरिजन ऑफ स्टार, बस और यू कैन से रिंग टोपोलॉजी ज्यादा होती है। लेकिन अगर इसके डिसएडवांटेजेस की बात की जाए तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं ये भी एक सेंट्रल केबल पे डिपेंड होती है जिसे हम बैकबोन के नाम से जानते हैं। अगर ये बैकबोन में कहीं डिस्टर्बेंस आता है तो हमारा पूरा नेटवर्क ठप हो सकता है या फेल हो सकता है। दूसरी चीज कि अगर ये नोड मेरा जो हायर लेवल का नोड है अगर ये फेल हो जाए तो इसके जो बॉटम लोअर लेवल के नोड हैं वो भी वर्क करना बंद कर देते हैं, दैट इज अगेन अ मेजर प्रॉब्लम। और चूंकि ये कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है तो जाहिर सी बात है इसका जो एक्सपेंस होता है वो भी ज्यादा होता है, और लार्ज नंबर ऑफ कंपोनेंट्स और डिवाइसेस और लार्ज नंबर ऑफ केबल होने की वजह से इसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी हमारा काफी बढ़ जाता है, या टफ मेंटेनेंस हम कह सकते हैं होता है। सो दिस इज अबाउट ट्री टोपोलॉजी। इसके बाद में हम बात करते हैं ऑब्वियसली मेश टोपोलॉजी की। वेल, मेश टोपोलॉजी सबसे पहली बात तो ये कि मोस्ट कॉम्प्लेक्स टोपोलॉजी होती है, और जिसमें जितने भी नोड्स होते हैं वो तकरीबन जितने भी अदर नोड्स होते हैं उनके साथ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपस में कनेक्टेड होते हैं। इसका एडवांटेज ये होता है कि इसमें जो कम्युनिकेशन होता है या जो स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डेटा होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, काफ़ी ज़्यादातर जगहों पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। और ये मेश टोपोलॉजी होती है, ये बेसिकली आप वाईफाई टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करके रेडी कर सकते हैं, या वायर्ड तो हम करते ही करते हैं। और मेश टोपोलॉजी की एक खास बात ये भी होती है कि इनके बीच में कोई भी ऐसा एक सेंट्रल डिवाइस नहीं होता, बिकॉज all are connected with each other and all are free to send and receive data from any node or any device. इसलिए इसमें central server या switch या hub का कोई ज्यादा role नहीं होता है। So ये तो बात हुई हमारे mesh topology की। और nowadays you can think of internet, that is one of the example of this mesh topology. So अगर इसके advantages की बात की जाए, So as I said, high amount of traffic को बहुत easily और speedily ये manage कर सकता है। इट इज रोबस्ट इन नेचर, इन द सेंस कोई अगर एक आध नेटवर्क इसमें से फेल भी हो जाता है तो भी हमारे कंप्लीट या इंटायर नेटवर्क कभी भी डाउन नहीं होता। अदर पोर्शंस पे जितने भी नोड्स होते हैं वो प्रॉपरली विदाउट एनी इंटरप्शन वर्क करते हैं। इन केस अगर कोई मुझे नया नोड ऐड करना है, मैं वो आसानी से सभी के साथ कनेक्ट कर सकता हूँ विदाउट इंटरप्टिंग अगेन द नेटवर्क सर्विसेज। एंड ये एक स्केलेबल नेटवर्क होता है, बिकॉज एज आई सेड कि इसमें कोई भी एक सेंट्रल हब या सेंट्रल सर्वर का कोई भी रोल नहीं होता है, इसलिए जितने भी नोड्स होते हैं वो खुद ही एज ए रूटर, एज ए सर्वर, एज ए क्लाइंट बिहेव करते हैं। सो दैट्स व्हाई वी कैन से इट इज स्केलेबल, और इट अगेन प्रोवाइड हाई सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी ऑफ इंफॉर्मेशन बीइंग यू नो ट्रांसमिटेड। सो दिस इज हाउ वी कैन गेट द एडवांटेजेस ऑफ दिस मेश टोपोलॉजी। लेट्स टॉक अबाउट सम डिसएडवांटेजेस एज वेल। सो डिसएडवांटेज की अगर हम बात करें तो पहली चीज तो ये कि ये चूंकि ये काफी कॉम्प्लेक्स होता है, बिकॉज जितने भी नोड्स होते हैं वो सभी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं और इसके लिए हमें बहुत सारे डिफरेंट कनेक्शन एस्टैब्लिश करने होते हैं। दूसरा, जितने भी नोड्स होते हैं दे ऑल आर एक्टिव, एज आई सेड वो सर्वर क्लाइंट दोनों के जैसे बिहेव करते हैं,
इसका मतलब इनके लिए ज्यादा पावर कंजम्पशन की जरूरत हमें पड़ती है। एंड सिमिलरली चूंकि इसमें बहुत सारे कनेक्शन हमें इस्टेब्लिश करने होते हैं और ये कॉम्प्लेक्स होता है, तो उसका जो इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस है वो भी काफ़ी डिफिकल्ट होता है। और एज आई सेड, नंबर ऑफ कनेक्शंस, नंबर ऑफ डिवाइसेस ज़्यादा होने की वजह से और ऑब्वियसली एक्सपेंसिव कंपोनेंट्स होने की वजह से एक पूरा का पूरा नेटवर्क हमारे लिए काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड दिस मेश टोपोलॉजी। तो ओवरऑल दीज आर समथिंग अबाउट यू नो नेटवर्क टोपोलॉजीज एंड देयर टाइप्स ऑफ टोपोलॉजीज। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नेटवर्क डिवाइसेज जो हम किसी कंप्यूटर नेटवर्क को इस्टेब्लिश करने के लिए यूज करते हैं। सो देर आर सो मेनी डिफरेंट नेटवर्किंग डिवाइसेज वी कैन यूज इन आर कंप्यूटर नेटवर्क एज पर आवर रिक्वायरमेंट। मोस्ट ऑफ देम आई हैव टेकन हियर। वन इज यू कैन से हब, देन स्विच, रूटर, गेटवे, रिपीटर, दिस NIC कार्ड जिसे हम इथरनेट कार्ड के नाम से जानते हैं, ऑब्वियसली मॉडेम। चलिए इन सारे डिवाइसेज को इंडिविजुअली हम समझने की कोशिश करते हैं। Now, first of all, we are talking about hub. What is this hub actually? Well, first of all, आपको मैं बता दूं कि जब हम कोई भी कंप्यूटर नेटवर्क इस्टेब्लिश करते हैं तो इन सबको आपस में कनेक्ट करने के लिए हमें बीच में एक डिवाइस की जरूरत पड़ती है जिसे हम हब के नाम से जानते हैं। ये हब भी हो सकता है, ये स्विच भी हो सकता है, ये रूटर भी हो सकता है, सबका काम एक ही है, जितने भी नोड्स हैं उनको आपस में कनेक्ट करना। इन सारे ही डिवाइसेस में जो बेसिक डिफरेंस होता है वो उनके प्रोसेसिंग के ऊपर डिपेंड करता है, उनकी स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है और उनकी कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। इन द सेंस, एज आई सेड, ये जितने भी डिवाइसेज हैं इनका पर्पज है ऑब्वियसली कनेक्टिंग नोड्स, बट डिफरेंस इनमें जो आता है वो डिपेंड करता है इनके साइज ऑफ नेटवर्क, इनकी कैपेसिटी के ऊपर में एंड इनकी वे ऑफ ट्रांसमिटिंग डेटा। इन द सेंस हब है उसका अपना एक ट्रांसमिशन स्टाइल है, स्विच का अपना एक ट्रांसमिशन स्टाइल है, रूटर का अपना एक स्टाइल है और इनकी सबकी कैपेसिटी अलग है, इन सब का अपना एक प्रोसेस है, इनका अपना एक अलग मेथड होता है जिनके थ्रू ये डेटा को सेंड एंड रिसीव करते हैं। सो बेसिस ऑन दैट अब हम बात कर रहे थे हब की। तो हब जो होता है ये बेसिकली सबसे कम कैपेसिटी वाला एक नेटवर्किंग डिवाइस है जिसमें मैक्सिमम 4 to 8 पोर्ट्स होते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क अगर आपको इस्टेब्लिश करना है उसके लिए हम हब का इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड वी ऑल नो दैट इट इज़ ए हार्डवेयर नेटवर्किंग डिवाइस दैट कनेक्ट मल्टीपल नोड्स इन ए नेटवर्क एंड सेंड एंड रिसीव डेटा फ्रॉम ऑल कनेक्टेड नोड। दिस इज व्हाट द बेसिक डेफिनेशन वी ऑल नो और ये डेफिनेशन हम सभी कंपोनेंट्स के लिए लगा सकते हैं। हब जो होता है इसमें एज यू कैन सी इन दिस इमेज इसमें मल्टीपल पोर्ट्स होते हैं। जाहिर सी बात है सब में हम इंडिविजुअल नोड्स को आपस में क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। इट इज बेस्ट सुटेबल फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। हब में एक बात जो इम्पॉर्टेंट होती है कि हब में जो भी डेटा ट्रांसमिट होता है वो हाफ डुप्लेक्स मोड पे होता है। हाफ डुप्लेक्स का मतलब ये है कि अगर इस नोड वन से ये डेटा यहाँ पे ट्रांसमिट कर रहा है, एट द सेम टाइम मैं अगर यहाँ पे सेंड करने की कोशिश करूँ तो वो नहीं जाएगा। जब तक ये इस नोड से इस हब तक रिसीव नहीं हो जाता उससे पहले यहाँ पर सेंड वाला कोई भी काम नहीं होता है। सो दिस वर्क्स ऑलवेज ऑन हाफ डुप्लेक्स मोड। हब जो होता है वो एज ए ब्रॉडकास्टर हम इस्तेमाल करते हैं हमारे नेटवर्क में। इसका मतलब ये है कि जैसे ये मेरा हब लगा हुआ है, अगर यहाँ से कोई एक मैसेज रिलीज हुआ तो ये हब इस मैसेज को इस नंबर वन से लेगा और बिना कुछ सोचे समझे इन तीनों ही नोड पे उसे ब्रॉडकास्ट कर देता है। वो ये डिसाइड नहीं करता कि ये जो मैसेज आया है उसे किसी स्पेसिफिक डेस्टिनेशन तक पहुँचाना है, स्पेसिफिक नोड तक पहुँचाना है, इससे हब का कोई लेना देना नहीं। इसीलिए हब को हम डंब नेटवर्क डिवाइस के भी नाम से जानते हैं। और चूंकि हब जो होते हैं ये डंब होते हैं, मतलब इनके अंदर कोई भी हम नेटवर्क सॉफ्टवेयर नहीं डालते, इनका काम है सिर्फ डेटा को लेना और दूसरी जगह भेज देना, इसलिए इसे हम पैसिव डिवाइस के नाम से भी जानते हैं। और ये एक स्मॉलेस्ट डिवाइस होता है, स्मॉलेस्ट कैपेसिटी वाला डिवाइस होता है जो लोकल एरिया या स्मॉल होम नेटवर्क बनाने के लिए ज्यादा सुटेबल होता है। इसके बाद में हम बात करते हैं स्विच की। स्विच इज एक्चुअली यू कैन से द एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ योर हब। इसका भी काम सेम वही है जैसा मैंने आपको बताया, मल्टीपल नोड्स को आपस में क्या करना, कनेक्ट करना। लेकिन जो स्विच होता है वो एक एक्टिव डिवाइस होता है, इसके अंदर अपना खुद का एक सॉफ्टवेयर होता है जो ये डिसीजन ले सकता है कि इस कंप्यूटर नंबर वन या नोड नंबर वन से कोई डेटा मैंने
या स्विच ने रिसीव किया, तो ये डिसाइड करेगा क्या इस डेटा को 3 नंबर को पहुंचाना है या 4 नंबर को पहुंचाना है या 5 नंबर को। तो अगर उसे सिर्फ 3 नंबर तक पहुंचाना है तो वो डेटा सिर्फ 3 नंबर तक ही जाएगा, बाकी कहीं पे भी उसे ब्रॉडकास्ट नहीं किया जाता स्विच के द्वारा। और ये जो ब्रॉडकास्टिंग होती है, ये जो डिसीजन होता है इस सॉफ्टवेयर के द्वारा, ये बेसिकली हर एक इन्फॉर्मेशन जिसके साथ एक मैक एड्रेस ट्रैवल करता है उसकी बेसिस पे ये स्विच क्या करता है, इस डिसीजन को ले पाता है। और जो स्विच की एक बात ये भी है कि ये डुप्लेक्स मोड पे डेटा को ट्रांसमिट करता है। अगर 1 नंबर से मैंने डेटा सेंड किया, एट द सेम टाइम ये 1 नंबर कहीं और से डेटा को रिसीव भी कर सकता है। सो दिस इज व्हाट योर डुप्लेक्स मोड। एंड एज आई सेड, स्विच को हम इंटेलिजेंट हब के नाम से भी जानते हैं, इन द सेंस स्विच के अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया ये कैपेसिटी होती है कि वो डिसाइड कर सकता है कि जो भी मैसेज या इन्फॉर्मेशन उसने रिसीव किया है उसे किस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन नोड तक पहुंचाना है। सो ओवरऑल जहां तक बात है इसके डेफिनेशन की, दैट इज अगेन सेम, इट इज अ हार्डवेयर नेटवर्किंग डिवाइस दैट कनेक्ट मल्टीपल नोड्स, रिसीव इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ऑल द नोड एंड सेंड इट ओनली टू द सेलेक्टेड नोड। सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड द पर्पज ऑफ दिस स्विच। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। एंड दीज आर द डायग्राम्स यू कैन सी। लेट्स टॉक अबाउट रूटर नाउ। रूटर इज अगेन अ हार्डवेयर नेटवर्किंग डिवाइस दैट अगेन कनेक्ट मल्टीपल नोड फर्स्ट ऑफ ऑल, बट द डिफरेंस लाइज बिटवीन रूटर, स्विच एंड हब एट वन पॉइंट इज दैट कि जो रूटर होता है, ये जो मल्टीपल नेटवर्क्स होते हैं लाइक दिस, इन डिफरेंट मल्टीपल नेटवर्क्स को आपस में क्या कर सकता है, ये कनेक्ट कर सकता है, डिससिमिलर नेटवर्क को ये आपस में कनेक्ट कर सकता है। देखिए, जब हम कंप्यूटर नेटवर्क बनाते हैं तो उस कंप्यूटर नेटवर्क में, से फॉर एग्जांपल दिस इज माय नेटवर्क, तो इस नेटवर्क में जो भी डेटा ट्रांसमिट होता है वन नोड से दूसरे नोड पे, उसके लिए कुछ सर्टेन प्रोटोकॉल्स होते हैं, सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उस प्रोटोकॉल की बेसिस पे ही डेटा क्या होता है, ट्रांसमिट होता है। तो जब हम बात करते हैं फिजिकल नेटवर्क दैट फॉलो डिफरेंट प्रोटोकॉल, हो सकता है ये जो नेटवर्क प्रोटोकॉल इस्तेमाल कर रहा हो दैट इज योर TCP/IP, हो सकता है ये जो नेटवर्क प्रोटोकॉल हो दैट इज योर HTTPS। HTTPS का मतलब मैं जहाँ पे इंटरनेट की बात कर रहा हूँ, और रूटर वैसे भी ज़्यादातर हम इंटरनेट या वाइड एरिया नेटवर्क के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये TCP/IP वाले नेटवर्क को HTTPS वाले नेटवर्क से कनेक्ट करना है और इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करना है, वहाँ पर हम हब या स्विच का इस्तेमाल नहीं करते, हम वहां पर रूटर का इस्तेमाल करते हैं। रूटर वायर्ड भी हो सकता है या वाईफाई टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल कर सकता है, इस बात का जरूर आप ध्यान रखेंगे। सो रूटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग, एनालाइजिंग एंड मूविंग इनकमिंग डेटा पैकेट्स टू अनदर नेटवर्क। सो एज आई सेड, ये भी एक एक्टिव डिवाइस होता है, इसके अंदर भी अपने सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि किसी एक पर्टिकुलर नेटवर्क से आने वाले इन्फॉर्मेशन को लेके डिसाइड कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, और ये किस पर्टिकुलर नोड पे या नेटवर्क पे सेंड करना है ये डिसाइड करके वहां तक पहुंचा सकते हैं। और रूटर इंश्योर करता है कि जो डेटा पैकेट्स ट्रैवल करते हैं, ट्रांसमिट किए जाते हैं, वो उनके लिए जो बेस्ट सूटेबल पाथ होता है उसे फाइंड आउट करके मिनिमम टाइम में मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करके डेस्टिनेशन तक सेंड कर सकता है। इन द सेंस दिस इज माई, एक बहुत बड़ा मेरा नेटवर्क है, ये मेरा एक नोड है, ये मेरा एक नोड है, यहाँ पे डिफरेंट से रूटर्स हैं। तो जब आप इस रूटर तक पहुँचाएंगे तो ये रूटर बहुत सारे डिफरेंट कम्युनिकेशन मीडियम में चेकआउट करेगा कि कौन सा मीडियम बेस्ट है इस डेस्टिनेशन तक पहुँचने के लिए। तो रूटर क्या करता है, जो भी शॉर्टेस्ट पाथ होता है उसे फाइंड आउट करता है और उसके थ्रू डेस्टिनेशन नोड तक उस इन्फॉर्मेशन को क्या करता है, डिलीवर करता है। सो दिस इज बेस्ट सुटेबल फॉर वाइड एरिया नेटवर्क। और इसमें एक बात यह भी है कि अगर लिंक फेल किसी एक रूटर का हो जाए तो इसका मतलब पूरा का पूरा नेटवर्क बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली होता क्या है, जब आप वाइड एरिया नेटवर्क में होते हैं, एक रूटर से दूसरा रूटर कनेक्टेड होता है, दूसरे से तीसरा रूटर कनेक्टेड होता है, और इससे हमारे नोड्स क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। तो इनकेस कोई रूटर से फॉर एग्जाम्पल डिस्टर्ब भी होता है तो ये अल्टरनेट पाथ लेके दूसरे रूटर तक पहुंचता है और वहां से फिर कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश कर लेता है। सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड दिस रूटर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट नेटवर्किंग डिवाइस दैट इज योर गेटवे बेसिकली। वेल, गेटवे इज एक्चुअली अ काइंड ऑफ फायरवॉल जो कि एक एंट्रेंस गेट होता है किसी भी नेटवर्क के लिए,
let's suppose I have a network like this and this is my entrance gate, जहाँ पर की say for example this is my router. So अब यहाँ पर जो भी data transmit हो रहा है internet के through कहीं और से, तो वो by air आपके पास इस router में आता है, router इसे send करता है इस main node पे. इस main node के पहले हमने यहाँ पर एक gateway लगाया होता है. ये gateway जो होता है ये इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को लेता है, इसकी ऑथेंटिसिटी को चेक करता है, उसकी वैलिडिटी को चेक करता है और डिसाइड करता है कि क्या ये जो इंफॉर्मेशन अभी मैंने रिसीव की है उसे मुझे फर्दर हमारे नेटवर्क में सेंड करना है. तो अगर उसे लगता है कि ये सुटेबल है देन ये डिसाइड करके उसे यहाँ से ट्रांसमिट करता है. अगर उसे लगता है कि ये वैलिड इंफॉर्मेशन नहीं है तो उसे वहीं पर प्रोटेक्ट कर देता है या स्टॉप कर देता है और उसकी वजह से वो हमारा डेटा ट्रांसमिट नहीं होता है. तो सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से गेटवे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवाइस होता है और ये कहीं ना कहीं डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटोकॉल बेस्ड नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है, जैसा हमने रूटर के केस में देखा. बट रूटर से ज्यादा एडवांस वर्जन में हम गेटवे की बात करते हैं क्योंकि रूटर जो होता है वो कहीं ना कहीं ट्रांसमिशन का काम करता है इंफॉर्मेशन का. बट गेटवे एक सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम रेडी करते हैं जो सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर दोनों से ही मिलकर रेडी होता है. एज आई सेड कि जो रूटर होता है ना वो ही एज ए गेटवे भी हम इस्तेमाल करते हैं. एंड ऑल्सो एज आई सेड कि जिस तरह से हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ फायरवॉल इनबिल्ट होता है, बिल्कुल उसी तरह से गेटवे भी एज ए प्रॉक्सी सर्वर हमारे कंप्यूटर सर्वर के लिए वर्कआउट करता है जो डिसाइड करता है सिक्योरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन. सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड दिस गेटवे. So let's move to the next networking device, that is repeater. Well, repeater जो होता है ये basically as its name implies, इसका काम होता है कि जो भी signal, like you can see this image, यहाँ से हमने एक connection किया हुआ है node 1 पे और यहाँ से दूसरा connection है, this is out. तो अगर कोई signal ये receive करता है यहाँ पर, I am talking here, उस signal को receive करने के बाद में उसे लगता है कि इसकी strength कम हो गई है तो ये उसकी एक कॉपी अपने पास जनरेट करता है, उस कॉपी को फिर से ये स्ट्रेंथ बनाता है, उसे रीजनरेट करता है विथ फुल स्ट्रेंथ और उसके बाद उसको वापस क्या करता है नेक्स्ट नोड के लिए ट्रांसमिट कर देता है. तो रिपीटर का एक्चुअली काम होता है जो भी सिग्नल उसे वीक सिग्नल रिसीव हो रहे हैं, ना ही सिर्फ वीक सिग्नल, जो भी सिग्नल रिसीव हुए उसे एनालाइज करना कहीं वो वीक तो नहीं है, अगर वीक है तो उसे रीजनरेट करना और वापस उसे नेटवर्क में स्प्रेड कर देना. रिपीटर जो होते हैं ये सिमिलर नेटवर्क में ही हम इस्तेमाल करते हैं. नेटवर्क विद डिफरेंट प्रोटोकॉल या डिससिमिलर नेटवर्क के बीच में हम रिपीटर का इस्तेमाल नहीं कर सकते और रिपीटर भी एक प्रकार के पैसिव डिवाइसेज होते हैं जिनका काम सिर्फ सिग्नल को बढ़ाना होता है. इसके अलावा ये किसी भी प्रकार की प्रोसेसिंग ओवरहेड का अपना टेंशन नहीं लेते हैं कि किस डेस्टिनेशन तक हमें कौन सा इन्फॉर्मेशन सेंड करना है, कौन सा एड्रेस मेरे पास आया है इत्यादि. तो ये कॉस्ट इफेक्टिव भी होते हैं और ये ज़्यादा सुटेबल उन नेटवर्क्स के लिए होते हैं जो लॉन्ग डिस्टेंस कवर करते हैं इन्फॉर्मेशन ट्रैवल के लिए. दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड दिस रिपीटर. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ईथरनेट कार्ड. नाउ वी ऑल नो दैट कि यदि हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है उसे अगर किसी दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करना है, चाहे वो केबल हो चाहे वो वाईफाई डिवाइस हो, तो जब तक वाईफाई डिवाइस मेरे कंप्यूटर सिस्टम में कनेक्ट नहीं होगा या इस केबल को कनेक्ट करने के लिए मेरे कंप्यूटर सिस्टम में पोर्ट नहीं होगा, तब तक तो मैं इसका कनेक्शन दूसरे कंप्यूटर के साथ कर ही नहीं सकता. इसलिए हरेक सीपीयू में नाउअडेज अगर मैं बात करूं तो सीपीयू के अंदर जो मदरबोर्ड होता है उसमें कुछ इस तरह का पोर्ट, यू कैन सी दिस पोर्ट, ये ऑलरेडी अवेलेबल होता है, ये यहां पर आप देख सकते हैं. ये पोर्ट ऑलरेडी मदरबोर्ड में इनबिल्ट होता है. आज से 10 साल पहले 12 साल पहले के जो कंप्यूटर होते थे उसमें नेटवर्क कार्ड जो आप अभी अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं ये अलग से इस मदरबोर्ड में हमें क्या करना होता था, माउंट करना होता था, जो कि आजकल नहीं है. हाँ, अगर आज की डेट में ये इनबिल्ट नेटवर्क पोर्ट जिसे हम RJ45 के नाम से जानते हैं, अगर ये फेल हो जाए तो हम एक्सटर्नल इस तरह के कार्ड को लगा के फिर से हमारे कंप्यूटर को किसी नेटवर्क में जोड़ने लायक बना सकते हैं. इस पोर्ट का या इस नेटवर्क कार्ड का जो पर्पज होता है, जिसे हम ईथरनेट कार्ड भी बोलते हैं, जिसे हम इंटरफेस कार्ड भी बोलते हैं, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड बोलते हैं या लैंड कार्ड भी बोलते हैं, इसका काम होता है कंप्यूटर के सिग्नल्स को नेटवर्क के सिग्नल में या इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करना
एंड वाइस वर्सा। सो किसी भी कंप्यूटर को किसी नेटवर्क से जोड़ने के लिए, उनके बीच में फिजिकल कनेक्शन करने के लिए हमें नेटवर्क कार्ड की जरूरत पड़ती है। और एज आई सेड, ये एक इंटरफेस का काम करता है। ऑब्वियसली कंप्यूटर और नेटवर्क के बीच में उन दोनों के सिग्नल्स को सिंक्रोनाइज करने का काम करता है। और जैसा मैंने आपको बोला कि मदरबोर्ड में ऑलरेडी आजकल अवेलेबल होते हैं, अगर मदरबोर्ड में ये किसी वजह से खराब हो जाए तो हम एक्सटर्नल इस तरह के कार्ड को इसमें लगा के अपने कंप्यूटर को फिर से नेटवर्क में लगा सकते हैं। सो दिस इज समथिंग अबाउट ईथरनेट कार्ड। एंड सिमिलरली वी हैव वन मोर इम्पॉर्टेंट डिवाइस विच इज कॉल्ड मॉडेम। जनरली मॉडेम का इस्तेमाल हम हमारे कंप्यूटर को इंटरनेट के साथ कनेक्ट करने के लिए करते हैं, और इंटरनेट भी एक प्रकार का नेटवर्क होता है, इसलिए हम इसे एज ए नेटवर्किंग डिवाइस इस्तेमाल कर सकते हैं। मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेशन का मतलब होता है कि जब आपका डिजिटल सिग्नल को हम एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट कर दें, दैट इज योर मॉड्यूलेशन। व्हाट हैपेंस एक्चुअली, सपोज दिस इज माय कंप्यूटर सिस्टम, इस कंप्यूटर के सिस्टम के साथ में मैंने अपने इस मॉडेम को कनेक्ट किया हुआ है। अब ये मॉडेम जो है, हो सकता है किसी फोन लाइन के थ्रू हमारे कंप्यूटर सिस्टम को इंटरनेट से जोड़ रहा हो, और ये फोन लाइन जो होती है कहीं ना कहीं आगे चल के सैटेलाइट से हमारे डेटा को ट्रांसमिट एंड रिसीव करती है। नाउ इस कंप्यूटर की अपनी एक लैंग्वेज होती है, एक सिग्नल होता है जिसे हम कंप्यूटर सिग्नल सामान्य भाषा में बोल सकते हैं। अब ये जो मॉडेम होता है जो कि इस कंप्यूटर और इस रूटर या इस फोन लाइन के बीच में एक मीडिएटर का काम करता है। आज के टाइम में हम फोन लाइन यूज नहीं करते, हम ब्रॉडबैंड कनेक्शन यूज कर सकते हैं या वाईफाई, ऑब्वियसली लाइक मोबाइल के थ्रू हम डेटा एक्सेप्ट करते हैं, बट अगेन दैट हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू कंप्यूटर सिग्नल। सो आई वॉज सेइंग दैट कि अगर ये फोन लाइन है या ब्रॉडबैंड कनेक्शन है तो इसका जो अपना सिग्नल है उस सिग्नल को ये मॉडेम लेगा, उसे कंप्यूटर की सिग्नल में कन्वर्ट करेगा और इसे समझाएगा। उसी तरह से जब आप कोई रिक्वेस्ट करते हैं इंटरनेट में, उस कंप्यूटर सिग्नल को भी ये मॉडेम एक्सेप्ट करता है, उसे फोन सिग्नल में या ऑडिबल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, तब जाके वो फोन लाइन या ब्रॉडबैंड कनेक्शन उस रिक्वेस्ट को लेता है, एयर में ट्रांसमिट करता है और सर्वर से फिर वो डेटा आपको रिसीव होता है। तो आपके कंप्यूटर सिग्नल को फोन लाइन के सिग्नल्स में या एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करना ही मॉड्यूलेशन है, और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना ही क्या होता है, हमारा डी मॉड्यूलेशन कहलाता है। यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बता दूं कि जो मॉडेम होते हैं नाउअडेज, इंटरनल मॉडेम भी हमारे मदरबोर्ड में, जैसे मैंने आपको बताया इनबिल्ट नेटवर्क कार्ड होते हैं, उसी तरह से इनबिल्ट मॉडेम भी हमारे सीपीयू में लगे हुए होते हैं। आपको पीछे से सिर्फ केबल को ज्वाइन करना होता है, या फिर वाईफाई डिवाइस आप जानते होंगे हमारे सीपीयू में आजकल इनबिल्ट आते हैं, जिसके थ्रू भी आप इंटरनेट से आप अपने आप को कनेक्ट करते हैं। तो उस वाईफाई डिवाइस का मतलब कहीं ना कहीं उसमें इस मॉडेम के सर्किट ऑलरेडी इनबिल्ट होता है जो डिजिटल टू एनालॉग या एनालॉग टू डिजिटल सिग्नल कन्वर्ट करने का काम करता है। और अगर इंटरनल सपोज मॉडेम आपका खराब हो जाए तो हमारे पास मार्केट में कुछ तरह से एक्सटर्नल मॉडेम्स भी मिलते हैं जिन्हें हम अपने सीपीयू के साथ कनेक्ट करके ऑब्वियसली किसी भी नेटवर्क स्पेशली इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं। सो दिस इज अबाउट मॉडेम। तो ये तो सारी बातें हुई कि किस तरह से डिफरेंट टाइप ऑफ डिवाइसेस हमारे कंप्यूटर नेटवर्क में अवेलेबल होते हैं। इसके बाद में अलग से हम बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क की। वेल सी व्हाट हैपेंस कि जब भी आप कोई कंप्यूटर नेटवर्क एस्टैब्लिश करते हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ तीन चीजें होती हैं। एक होता है आपका क्लाइंट, एक होता है आपका सर्वर, और एक होता है बीच में कम्युनिकेशन चैनल। इसके अलावा कोई भी चौथा इसमें कंपोनेंट कंप्यूटर नेटवर्क में नहीं होता। अगर आप पढ़ते भी हैं तो वो जबरदस्ती का एक्स्ट्रा डाला गया होता है। इस क्लाइंट को ही हम नोड के नाम से जानते हैं। इस कम्युनिकेशन चैनल में ही हम केबल्स की, इसमें हम वाईफाई डिवाइसेस की, इसमें हम ये जितने भी स्विच रूटर, इन तमाम डिवाइसेस को कम्युनिकेशन चैनल के अंतर्गत ही रखते हैं। क्लाइंट को बोलते हैं हु मेक्स रिक्वेस्ट, दूसरे तरीके से हु आस्क फॉर सर्विसेस, दैट इज कॉल्ड योर क्लाइंट। एक और तरीके से हु रिसीव्स इंफॉर्मेशन और सिग्नल्स आर बेसिकली नोन एज व्हाट, योर क्लाइंट। और जहां तक बात है हमारे सर्वर की, हु गिव्स यू सर्विसेस। सिमिलरली वी कैन से हु सेंड सिग्नल्स, और यू कैन से व्हाट, इंफॉर्मेशन, दैट इज योर सर्वर। एंड कम्युनिकेशन चैनल वी कैन से इज हु सेंड एंड रिसीव,
or you can say transmit information between client and server. और जैसा मैंने आपको बोला कि जितने भी networking device अभी हमने देखी वो सारे communication channel में आते हैं. Nowadays अगर मैं cable की बात करूं तो आजकल हम optical fiber का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं या twisted pair cable का भी हम इस्तेमाल करते हैं. मैं इसे ज़्यादा detail में discuss नहीं कर रहा हूं. Earlier days of computing या earlier days of computer networking हम यूज करते थे coaxial cable का, जिसका इस्तेमाल अब हमने पूरी तरह से बंद कर दिया. और वैसे भी आजकल हम वाईफाई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं. दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क. तो ये थी सारी बातें ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू द सिलेबस और यू कैन से ऑल द कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू कंप्यूटर नेटवर्क चैप्टर जिसे अभी हमने डिस्कस किया. इसके अलावा मैंने कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस वीडियो सेशन में इंक्लूड किए हैं ताकि आप एक ही सेशन में सारी चीजों को अंडरस्टैंड कर सकें. हम बात करेंगे अब कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स के बारे में, उसके बाद कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, देन क्वेश्चन एंड देन केस स्टडी. चलिए देखते हैं. सो नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट यू नो द डिफरेंस बिटवीन लैन एंड वैन. वी ऑल नो दैट लोकल एरिया नेटवर्क किसी एक इंडिविजुअल के द्वारा ओन्ड किया जा सकता है, जबकि वाइड एरिया नेटवर्क ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा किया जाता है. लैन जो होता है बेसिकली एक प्रकार का प्राइवेट नेटवर्क है. पब्लिक भी किया जा सकता है बट मोस्टली इट इज established as private network, जबकि wide area network जो होता है वो ज़्यादातर public होता है. इसमें जो local area network में जितने भी computers होते हैं obviously वो किसी एक ही location पे होते हैं, जबकि wide area में जो network होते हैं वो different locations पे हो सकते हैं, different location पे होते हुए भी वो आपस में connect होते हैं. This is something about the difference between LAN and WAN. मैंने ज़्यादातर तीन तीन पॉइंट ही कंसीडर किए हैं बिकॉज क्वेश्चन के हिसाब से देखूँ तो मैक्सिमम 2-3 मार्क्स के ही क्वेश्चन इसके बनते हैं. नेक्स्ट जो डिफरेंस मैंने यहाँ पे प्रेजेंट किया है दैट इज डिफरेंस बिटवीन स्टार एंड बस टोपोलॉजी. स्टार वी ऑल नो दैट कि एक सेंट्रल डिवाइस होता है, बाकी सारे नोड उस सेंट्रल डिवाइस से कनेक्टेड होते हैं. रिंग टोपोलॉजी की बात करूँ वी ऑल नो दैट कि इसमें एक नोड अपने नेबरिंग नोड, दोनों साइड के नेबरिंग नोड से कनेक्टेड होता है. इट इज लेस कॉम्प्लेक्स, इट इज मोर कॉम्प्लेक्स. यहाँ पर अगर कोई नोड अगर फेल भी हो जाए तो नेटवर्क डाउन नहीं होता है, जबकि रिंग टोपोलॉजी में किसी भी नोड के फेल होने से पूरा का पूरा नेटवर्क डाउन हो सकता है. सो दिस इज हाउ वी कैन गेट द डिफरेंस. मूव टू द नेक्स्ट डिफरेंस, ट्री एंड मेश टोपोलॉजी. यू कैन सी हियर ट्री मींस जहां पर की जो लोअर लेवल के नोड्स होते हैं वो ऑब्वियसली हायर लेवल के नोड के साथ में कनेक्ट होते हैं और ये एक बैकबोन से कनेक्टेड होते हैं. मेश टोपोलॉजी में सारे ही नोड सारे ही टाइप ऑफ से नोड के साथ कनेक्टेड हो सकते हैं. और ट्री टोपोलॉजी इन कंपैरिजन ऑफ मेश टोपोलॉजी लेस एक्सपेंसिव होती है. और ट्री टोपोलॉजी चूंकि इसमें एक बैकबोन पे ये सारे अटैच्ड होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, तो अगर ये फेल हो जाए तो ये पूरा नेटवर्क डिस्टर्ब हो सकता है, डाउन हो सकता है. जबकि मेश टोपोलॉजी में चूंकि सारे ही इंडिपेंडेंट क्लाइंट और सर्वर के जैसे बिहेव करते हैं तो किसी एक के डाउन होने से पूरा नेटवर्क कभी भी डाउन नहीं होता है. सो दिस इज हाउ वी कैन गेट द डिफरेंस. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट डिफरेंस नाउ. दिस इज एक्चुअली डिफरेंस बिटवीन हब एंड स्विच. मैंने यहाँ पे इसे गलत लिख दिया है, इसे हम ठीक कर लेते हैं. वी ऑल नो दैट हब इज द स्मॉलेस्ट नेटवर्किंग डिवाइस. स्मॉल नेटवर्क के लिए ज्यादा सुटेबल होता है, बड़े नेटवर्क के लिए स्विच का हम इस्तेमाल करते हैं. मेजर डिफरेंस इज दैट ये हब डुप्लेक्स मोड पे डेटा ट्रांसमिट करता है, जो हमने पहले भी देखा, ये डुप्लेक्स मोड में डेटा ट्रांसमिट करता है. इट इज ए पैसिव डिवाइस बिकॉज इसका अपना कोई सॉफ्टवेयर नहीं होता, इसकी कोई अपनी इंटेलिजेंस नहीं होती. स्विच इज कॉल्ड एक्टिव डिवाइस बिकॉज इसके अपने सॉफ्टवेयर होते हैं, अपनी इंटेलिजेंस होता है, ये अपने से डिसाइड कर सकता है. ये डिसाइड कर सकता है कि किस मैसेज को किस डेस्टिनेशन पोर्ट तक पहुंचाना है, मतलब इसके अंदर एबिलिटी होती है डेटा को फिल्टर करने की. जबकि हब का काम होता है डेटा को ब्रॉडकास्ट करना, एक बार कहीं से रिसीव करो सबको भेज दो, मतलब इसके अंदर ये एबिलिटी नहीं होती कि वो डेटा को फिल्टर कर सके. दिस इज हाउ वी कैन गेट द डिफरेंस. मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट नाउ. हियर अगेन द डिफरेंस बिटवीन रूटर एंड स्विच, बट मैंने यहाँ पर फिर से इसे सही नहीं लिखा. इट इज एक्चुअली रूटर एंड स्विच. वेल वी ऑल नो दैट रूटर जो होता है वो स्विच का ही बड़ा वर्जन होता है. ये वाइड एरिया नेटवर्क को इस्टेब्लिश करने के लिए हम यूज करते हैं, दिस इज फॉर लोकल एरिया नेटवर्क. रूटर जो होता है वो वायर और वाईफाई दोनों इस्तेमाल करता है. स्विच ज्यादातर वायर्स के थ्रू किए जाते हैं.
रूटर जो होता है इसके पास एबिलिटी होती है कि ये क्लाइंट से सर्वर के बीच में जो भी बेस्ट पाथ होता है उसे फाइंड आउट करने की एबिलिटी रखता है, इन द सेंस शॉर्टेस्ट पाथ के थ्रू डेटा को ट्रांसमिट करने की एबिलिटी रखता है। स्विच के अंदर ये एबिलिटी नहीं होती कि वो अपने पाथ को फाइंड आउट कर सके, स्विच सिर्फ डेटा को फिल्टर करने की कैपेसिटी रखता है। सो दिस इज हाउ वी कैन गेट द डिफरेंस। इसके बाद में हम बात करते हैं कुछ कंप्यूटर नेटवर्क बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की, चलिए वो भी देखते हैं। सो दीज आर सम MCQs। क्वेश्चन नंबर वन इज आस्किंग दैट नेटवर्क इज ओन्ड बाई सिंगल ऑर्गेनाइजेशन। नाउ वैन इज नॉट देयर, मैन इज नॉट देयर, लैन एंड पैन, ये दोनों हो सकता है, बट पर्सनल एरिया नेटवर्क एक इंडिविजुअल का होता है, ऑर्गेनाइजेशन का नहीं होता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑलवेज योर लैन। अ टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क इज डिसाइडेड बाई नंबर ऑफ सर्वर्स, नंबर ऑफ नोड्स, नंबर ऑफ कनेक्शन और नंबर ऑफ साइज। सो द करेक्ट आंसर इज ऑब्वियसली द साइज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बस स्टार टोपोलॉजी इज नोन एज, वी ऑल नो दैट ट्री टोपोलॉजी को हम जानते हैं बस स्टार टोपोलॉजी के नाम से। लीनियर का मतलब बस टोपोलॉजी और सर्कुलर का मतलब रिंग टोपोलॉजी। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। हियर इन क्वेश्चन नंबर फोर इट इज आस्किंग दैट इंटरनेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, we all know that it is example of mesh topology. Device which can connect different network with different protocol is obviously our router, because hub or switch basically similar network ko connect karne ke liye hum istemal karte hain. Let's move to the next question. In computer network, nodes are computer that receives data, obviously, computer that send data, computer that pass data, all of the above. Now, as per my concern, the first one is the correct one, but nowadays node has the capability to receive, send and pass data. So the correct answer will be your option number D. Remember this always. Move to the next question. Question number 7 is asking that a hub is a obviously LAN device. Which of the following is WAN device? We all know that router is there. Repeater is not there. Gateway is for securities. One-way data communication is called half duplex mode. So this is how we can get all this. बढ़ते हैं questions की ओर। यहाँ पर मैंने कुछ questions आपके लिए ready किए हुए हैं, जो maybe आपके book के अलावा इसमें अलग से मैंने डालने की कोशिश की है। आप please इसके answers को जरूर find out करने की कोशिश करें। In case of any problem, you can simply comment me. Now, which device help you to identify individual computer or network? Justify your answer. Which type of transmission medium you will prefer in LAN and why? LAN बना रहे हैं आप तो किस type का transmission medium आपके लिए चाहिए? Transmission medium wired भी हो सकता है, Wi-Fi भी हो सकता है, आपको justification उसका देना है। There is a large amount of data for student management which is required for different department of school. School में different departments हैं जहाँ पे large amount of data आपको manage करना है। What type of networking is preferred to store and use such data? Centralized data या decentralized? आप इन दोनों में से कौन सा नेटवर्किंग लेना चाहेंगे और क्यों लेना चाहेंगे ये आपको बताना है। व्हाट डू यू मीन बाय बैकबोन इन नेटवर्क आपको एक्सप्लेन करना है। व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ सिक्योरिंग ए कंप्यूटर नेटवर्क, एक्सप्लेन फॉलोइंग NIC, फायरवॉल, गेटवे, रिपीटर, जो सारा आप यहां से देख सकते हैं। डिफरेंस आपको फाइंड आउट करना है मैन एंड वैन के बीच में, हब एंड स्विच के बीच में, स्टार एंड रिंग टोपोलॉजी के बीच में। देन यू हैव टू राइट सम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मेश टोपोलॉजी, देन ट्री टोपोलॉजी एंड फाइंड एंड लिस्ट सम डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, जो मैंने इस सेशन में आपके साथ डिस्कस नहीं किया है। तो यू शुड ट्राई टू फाइंड द डिसएडवांटेजेस एज वेल। एंड इसके बाद में अब हम बात करते हैं केस स्टडी की। यू कैन सी दिस इज माई केस स्टडी। नाउ हियर इट इज आस्किंग दैट भारत इंडस्ट्री हैज सेटअप इट्स न्यू ऑफिस एट दिल्ली फॉर इट्स ऑफिस एंड वेब बेस्ड एक्टिविटीज। इट हैज फोर ब्लॉक्स। यू कैन सी एक एजेंसी है जिसके चार डिफरेंट ऑफिसेज हैं, इसे हमने डिफरेंट ब्लॉक से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। इन सभी के बीच का डिस्टेंस यहाँ पे मेंशन है, लाइक ब्लॉक ए एंड बी के बीच 60 मीटर, बी एंड सी के बीच 150 मीटर, सी एंड डी के बीच 30 मीटर एंड सो ऑन। नाउ केस स्टडी में ये बोलता है, इन कंटिन्यूएशन ऑफ द अबव कंपनी एक्सपर्ट हैव प्लान टू इंस्टॉल द फॉलोइंग नंबर ऑफ कंप्यूटर्स। ब्लॉक ए में 25 कंप्यूटर होना चाहिए, बी में 50 होना चाहिए, सी में 125 और डी में 10। नाउ इन दोनों क्राइटेरिया की बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर हमें एक्चुअली फाइंड आउट करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर वन इज, इट इज सेइंग दैट सजेस्ट द केबल लेआउट ऑफ कनेक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स। वी आर टॉकिंग अबाउट टोपोलॉजी हियर। नाउ टोपोलॉजी डिपेंड्स अपॉन कि पहले आपको ये डिसाइड करना है सेंट्रल लोकेशन क्या होगा,
डिस्टेंस सभी के बीच की कितनी है और उसकी बेसिस पे कितना केबल हमें लगेगा, मिनिमम केबल कहाँ लग सकता है, मिनिमम डिवाइसेस कहाँ लग सकते हैं। बेसिस ऑन द फैक्ट अगर आप इस टेबल को ऑब्जर्व करें तो ब्लॉक सी में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ कंप्यूटर है। इसका मतलब यदि मैं कहीं और सर्वर इस्टेब्लिश करूंगा तो इफिशियंसी डाउन हो सकती है, इसलिए मैं सेंट्रल लोकेशन बनाऊंगा अपने ब्लॉक सी को बिकॉज ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर। और इस ब्लॉक सी से, चूंकि ब्लॉक सी से यदि आप ए का डिस्टेंस देखें सो दिस 100 मीटर एंड ब्लॉक सी से ही डी का डिस्टेंस जो है दैट इज 30 मीटर ओनली, एंड ब्लॉक सी से ही यदि मैं ब्लॉक बी का डिस्टेंस फाइंड आउट करूं 150 मीटर, तो एक तो ये हो सकता है कि आप कुछ इस तरह से स्टार टोपोलॉजी को फॉलो करें, इसे हम सेंट्रल लोकेशन बना दें। या फिर आप एक काम कर सकते हैं कि दिस इज माई सी, इस सी से ए के बीच सबसे जो कम डिस्टेंस है डी का दैट इज डी, तो ये मैंने डी को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, सो ये 30 मीटर्स पे आएगा, तो आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं। एंड देन अगर मैं सी और ए के बीच का डिस्टेंस देखूँ 100 मीटर और सी और बी के बीच में 150 मीटर, एंड देन बी और ए के बीच का अगर हम गैप देखें दैट इज योर 60 मीटर अगेन, सो वॉट आई कैन डू इज मैं सी से ए को कनेक्ट कर देता हूँ और ए से बी को कनेक्ट कर देंगे दैट इज हियर, सो इस तरह से ये 30 हो जाएगा, दिस इज 100 एंड दिस इज माई 60, तो ये भी हमारा एक इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है, दैट वी कैन से इज ए काइंड ऑफ रिंग टोपोलॉजी। सो ये दोनों ही आप फॉलो कर सकते हैं। तो ये तो बात हुई आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। हियर इन क्वेश्चन नंबर 2 इट इज सेइंग दैट सजेस्ट द प्लेसमेंट ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस विद जस्टिफिकेशन रिपीटर एंड हब और स्विच। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मेरा ये इस तरह से टोपोलॉजी है तो पहली चीज तो ये कि मुझे सभी में हब चाहिए, स्पेशली ब्लॉक सी में मुझे लगेगा स्विच, तो मैं यहाँ पे डालूंगा हब, इन सभी जगह हब लगा सकते हैं आप यहाँ पे स्विच लगा देंगे। इसके बाद में रिपीटर की हमें ज़रूरत पड़ेगी, जाहिर सी बात है हमारे ब्लॉक सी से ब्लॉक बी के बीच का जो डिस्टेंस है 150 है, तो यहाँ पर हम एक रिपीटर डालेंगे। एंड इसी तरह से ब्लॉक सी से ए के बीच का 100 मीटर का डिफरेंस है, तो यहाँ पर भी हमें एक रिपीटर की जरूरत पड़ेगी। सो दिस इज हाउ वी कैन पुट और यू कैन से प्लेस डिफरेंट डिवाइसेस इन द नेटवर्क आर्किटेक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑर्गेनाइजेशन इज प्लानिंग टू लिंक इट्स ब्लॉक बी इन वेरियस पार्ट ऑफ द सेम सिटी, विच टाइप ऑफ नेटवर्क विल बी फॉर्म्ड। मतलब ये जो ब्लॉक बी है इसको एक ही सिटी में अलग अलग लोकेशन से हमें जोड़ना है, और जैसे ही यहाँ पे वर्ड सिटी आ गया मतलब आंसर जो हो जाएगा दैट इज योर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। यहाँ पे हमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, इट्स ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी, इट्स ऑल अबाउट इफिशियंसी, एंड इट्स ऑल अबाउट यू कैन से कॉस्ट इफेक्टिवनेस, सो यू कैन से कॉस्ट। सो दीज आर दी आंसर्स और जस्टिफिकेशंस यू गिव। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। हियर इट इज आस्किंग दैट द नेम ऑफ ब्लॉक वेयर सर्वर टू बी इंस्टॉल। तो एज आई सेड इन द बिगिनिंग नंबर ऑफ कंप्यूटर्स इन सी इज सबसे ज्यादा है, सो जाहिर सी बात है कॉस्ट एंड इफिशियंसी एंड यू कैन से व्हाट द स्पीड की यदि हम बात करें, तो इसलिए हमारा ब्लॉक सी यहाँ पे ज्यादा सुटेबल होगा। एंड फाइनली इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 में ये बोलता है कि यदि इंटरनेट से हमारे सर्वर को कनेक्ट करना है, आई मीन दिस ब्लॉक सी को, तो जाहिर सी बात है वर्ल्ड वाइड वेब तो होगा नहीं, वाईफाई इज ए काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी जिसकी बेसिस पे हम डेटा कम्युनिकेशन करते हैं, तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की हमें जरूरत पड़ेगी जो कि हमें इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करे। उससे हम लाइन लीज पे ले सकते हैं या हम उसे डेटा परचेस करते हैं एंड सो दैट हम अपने नेटवर्क में उस इंटरनेट की फैसिलिटी को प्रोवाइड कर सकते हैं। सो ओवरऑल दिस इज हाउ वी कैन गेट द आंसर ऑफ ऑल दीज क्वेश्चंस। एंड इस तरह से हमने इस पूरे चैप्टर को अभी अंडरस्टैंड किया, एक एक कॉन्सेप्ट को लर्न किया। आई होप कि ये सारे ही चैप्टर, ये सारे कॉन्सेप्ट आपको हेल्प करेंगे डेफिनेटली इस चैप्टर को बेहतर तरीके से समझने में, और मुझे उम्मीद है कि आप इसकी बेसिस पे बेहतर परफॉर्म भी कर पाएंगे। तो चलिए इसी होप के साथ आज के इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नए सेशन में नए चैप्टर नए सॉल्यूशन नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग कीप लर्निंग एंड डू कीप वॉचिंग माई चैनल एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एज वेल। Bye-bye and take care of yourself. Thank you.